ये अप्रैल का महीना, आस्था का महीना, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हम सबको दिया है। ये ऐसा महीना जिसमें सभी धर्म के लोगों का त्यौहार है और प्रकृति हमें यह संदेश दे रही है कि हम सब एक होकर एक दूसरे के पर्व में खुशियां बांटें, प्यार बांटें, नफरत नहीं। तो ये जो जिस तरीके से अलीगढ़ में हो या अलग अलग यूपी की अलग अलग जगह में और बाकी अलग जगह पे भी हम देखते हैं कि ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस मुद्दे को भटका के जिस तरीके से अभी हम दिल्ली में हैं, अगर दिल्ली की बात करें, अभी आपने देखा होगा जो दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, उनका जिसने घर को तोड़फोड़ करा था, उनको कल सम्मानित भी किया है। ये सारे जो देखने के लिए मिलते हैं कि जिसको हम तोड़फोड़ करना, ऐसे भी एक चीफ मिनिस्टर के घर में, तो उनको सम्मानित करना, नमाज हिजाब में बात करना, ये कोई पहली बार तो है नहीं। गोडसे कौन था? देश का पहला आतंकवादी, ये लोग उसको माला चढ़ाते हैं। सावरकर कौन था? देश का सबसे बड़ा गद्दार, माफी भी उसकी पूजा करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन है? देशद्रोही, जिसने भारत छोड़ो कुचलने के आंदोलन के लिए चिट्ठी लिखा था, ये उसके सम्मान की बात कहते हैं। तो लत लुत बाई इमरले पर जाई, आदत नहीं छूटेगा, सांप का बच्चा सांप ही होगा। तो आप जो लोग सम्मानित किए गए, आपको भी पता है जामिया के छात्रों पर जो गोली चलाया उसको सम्मानित किया आपने, सब जगह कहीं भी देखिएगा जितने भी उपद्रव होते, सारे उपद्रवी भाजपा आरएसएस से संबद्ध लोग ही होते हैं। अब निश्चित तौर पर देश में जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको हाईजैक कर लिया गया। एक बात बताइए, जो सुबंधु अधिकारी नारदा सारदा की बात भाजपा वाले कर रहे थे, अब भाजपा में आने के बाद राजा हिशंद हो गए, अब उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? जो ज्योतिराज सिंधिया पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ आरोप लगते रहे कि ये उन्होंने उनका साथ दिया, अब भाजपा में आने के बाद देशभक्त हो गया। तो ये जब देखिएगा 200 से अधिक आज भी भाजपा में जो सांसद हैं वो कांग्रेस, राजद, टीएमसी, अलग अलग दलों के लोग हैं, तो भाजपा में कुछ बचेगा ही नहीं। खाली बोतल, खाली डब्बा ले लो मेरे यार, ये हवा बनाते रहते। 20 लाख ईवीएम गायब है चुनाव आयोग से, आज तक ईवीएम की चर्चा नहीं होती। तो ये जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ दिखाने की बात होती है। इनसे अर्थव्यवस्था पर सवाल पूछ लीजिए, 100 स्मार्ट सिटी पर सवाल पूछ लीजिए, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार पर सवाल पूछ लीजिए, इन पर महंगाई का मौ नहीं बोलने आता, जो प्रधानमंत्री खुद कहते थे लोग क्या खाएगा, महंगाई का मौ नहीं, प्रधानमंत्री चर्चा ही नहीं करते हैं, पता नहीं इनको किस बात का डर लगता है, चाइना का चौ नहीं बोल पाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री, नकारा प्रधानमंत्री, निकम्मा निथल्ला महानीच प्रधानमंत्री, जो अपने ही देश को गर्त में ढकेल रहा है, और ये सिर्फ देश के विनाशकारी प्रचार मंत्री सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के प्रचार में मस्त रहते हैं। ये कितना दिन, एक बात बताइए, देश के गरीब जनता के टैक्स के पैसों से ये मशरूम खा रहे हैं, 10 लाख का सूट पहन रहे, 5 लाख का बूट पहन रहे, 1.5 लाख की घोड़ी, चश्मा, और पूरी फ्लाइट से घूम घूम के गधा के जन्म छुरा रहे हैं। कभी आपने देखा कि देश में महंगाई के लिए, देश में बेरोजगारी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ते हुए जहाँ भी चुनाव होता है ये अपने आप पहुंच जाते हैं ताल ठोकने? प्रधानमंत्री का काम ताल ठोकना है, सो बताइए। तो देश मजबूत करने से ये बेहतर समझते हैं पार्टी को मजबूत कर रहे हैं कि देश मजबूत है। कैसे मजबूत है? बीजेपी तो दावा कर रहा है ना, नेपाल ने फायरिंग कर दिया, चाइना जमीन कैप्चर कर लिया, तब देश मजबूत हाथ में है। आप देख रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल हैक हो गया, फिर आपको मौसम विभाग का हो गया, फिर यूजीसी का हो गया, फिर मुख्यमंत्री का हो गया, तो कहाँ है चौकीदार? मजबूत है? पहले चाइना बॉर्डर पर कहाँ तक गश्त होता था, अब कहाँ तक हो रहा है? लद्दाख में क्या हुआ, अरुणाचल में चाइना ने गांव बसा ली, नेपाल इधर से जमीन कैप्चर कर लिया, नेपाल फायरिंग कर दी, तो कहाँ से मजबूत है भैया बताओ? जिस भारत की तुलना 2014 से पहले अमेरिका ब्रिटेन से होती थी, आज उस भारत की पीछे हो गया श्रीलंका से, नेपाल से, पाकिस्तान से, मजबूत कहां से हुआ बताओ? ठीक है, देखिए हिजाब का मुद्दा उत्तर प्रदेश में चुनाव था, इन्होंने हिजाब के मुद्दा को अपने ही एजेंटों के द्वारा, एक बात बताइए, मदनी साहब 5 लाख का चेक देने गए हिजाब वाली लड़की को, देश में 40 करोड़ मुसलमान है, कोई मुसलमान का नेता ऐसा मिला जो 10 रुपए अगर प्रतिदिन मुसलमान भाई हमारे निकालेंगे तो महीने में 300 रुपया महीना होगा, 12,000 करोड़ रुपया महीना आएगा, 12 महीने में हम पूरे हिंदुस्तान में स्कूल बना सकते हैं, क्यों नहीं बनाते? दूसरी बात, वही मुस्लिम लड़की, बच्ची, कक्षा 6 में पढ़ने वाली बच्ची,
कोडरमा की, जहां प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि अबरख की तरह चेहरा चमकेगा, और वहां जैसे हम मिट्टी में खेती करते हैं वैसे ही वहां छोटे छोटे अबरख के टुकड़े चुना जाता है, उसको ढिबरा बोलते हैं। तो उस बच्ची को कोई मुस्लिम नेता, कोई मुस्लिम संगठन मदद करने गया? क्या प्रधानमंत्री की जवाबदेही नहीं बनती है कि जहां दो वक्त की रोटी खाने के लिए लोग मजबूर हैं, 15 रुपए किलो ढिबरा बेचा जाता है, उस बच्ची को ही नहीं उस पूरे जिले के लोगों को जब ढिबरा पर कानून बनाने की बात थी तो प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं? और उसी अन्नपूर्णा देवी जो वहां से मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, सांसद हैं, जो जिस पर तमाम तरह का एलिगेशन जब राजद में थी तो लगाया जा रहा था, तो क्यों नहीं वो लोग संज्ञान लेते? आप सोच के देखिए। आपने हनुमान जी की बात की और हनुमान चालीसा की बात की। आज हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी जिस तरीके से कालनेमियों का कालनेमी राक्षस का वध किया, ऐसे ही भाजपा आरएसएस के लोगों को सजा देंगे जो फर्जी भगवा वस्त्र पहनकर धर्म को बदनाम कर रहे। देखो दीवाने, ऐसा काम करो, राम को बदनाम ना करो, वो गाना आज सटी का बैठता है। इन लोगों का कोई भी मतलब, जितने लोग प्रदर्शन करने वाले हैं, आपने बनारस में देखा होगा डीजे बज रहा है, मुंह नहीं चल रहा है, तो क्या हनुमान चालीसा पढ़ रहा है? किसी को हनुमान चालीसा नहीं आता, किसी को हनुमान अष्टक मंत्र नहीं आता, किसी को बजरंग बन नहीं आता, किसी को हनुमान का सहस्र नाम नहीं आता है, लेकिन वो नौटंकी करता है। तो हनुमान जी आज हनुमान जयंती के दिन उन सब कालनेमियों के वंशजों को जो हनुमान जी के नाम पर, राम के नाम पर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे, उन सबको सजा देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पंकज जी, आपने देखा है उन्होंने क्या बोला है। तो हम भी यही कहेंगे कि मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, मैं आप लोग देखिए कि इन सब बातें, ये जो हमारी सबके साथ जुड़े हुए मुद्दा है, धर्मों में उलझ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि धर्म कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा की बात है, ये हमें पेट नहीं भरते। धर्म को माने, हर एक इंसान अपने धर्म को मानने का अधिकार है, क्योंकि संविधान हमें देते हैं। लेकिन जो महंगाई का मार पड़ा है, जो बेरोजगारी, आप और हम सभी भुगत रहे, तो लगातार इस मुद्दे के ऊपर हम लोग बातें करेंगे। लगातार हम पंकज जी से भी बात करते रहते हैं और अलग लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ ऐसे बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।